हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए पाइथन पर हम ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट कराने के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद जो इसका डिस्कशन है वो मैं अगले वीडियो में दूंगा, इस पर सिर्फ हम प्रोग्राम की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन का जो आपके पास IDE है इसको ओपन कर लीजिए, न्यू फाइल ले लीजिए और यहाँ पर आपको सारी कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल n बनाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ int और उसके बाद से इनपुट लिखेंगे हम, int input और फिर यहां लिखेंगे enter the number of rows। तो यहां enter the number of rows, देखिए यहां पर हम कोलन लगाते हैं और यहां पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को करिए बंद, यहां दो ब्रैकेट बंद होंगे क्योंकि एक इंट वाला ब्रैकेट और फिर यहां एंटर द नंबर जो इसको ब्रैकेट में लिखा गया है वो। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे यहां पर एक लूप लगाना होगा हमें, और लूप चलाने के लिए हम एक वेरिएबल आई बना लेते हैं और यहां पे एक फंक्शन रेंज लगा देते हैं। अगर आपने रेंज वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए हमारे चैनल पे जाके। और यहां पे एन को हम लिखेंगे, एन को प्रिंट कराएंगे, तो यहां हमने लिख दिया एन, ठीक है, कोलन लगाया। नीचे आएंगे, अब यहां पे हमको प्रिंट करवाना होगा, ठीक है, क्या प्रिंट करवाना होगा, वही पैटर्न प्रिंट कराना है हमें। तो यहां लिखेंगे प्रिंट और यहां पे ब्लैंक स्पेस दे देंगे और यहां लिखेंगे इनटू और उसके बाद हम देंगे यहां पे एन माइनस आई, यानी एन से आई को माइनस करेंगे और फिर वन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आई माइनस होगा फिर वन माइनस होगा, ठीक है। इतने के बाद हम यहां पे प्लस का साइन देंगे और प्लस का साइन देने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहां पे लिखना है str, ठीक है, str लिखेंगे और यहां पर i प्लस वन देंगे, ठीक है। तो यहां कर दिया हमने i प्लस वन और इसको करेंगे बंद और यहां पर प्लस करेंगे और एक बार और स्पेस दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, इनटू का साइन लगाएंगे और यहां पर देंगे i प्लस वन, ठीक है, इतना दे दिया हमने, क्लोज करेंगे ब्रैकेट को। अब चूंकि यहां दो दो ब्रैकेट ओपन हुए हैं तो दो को क्लोज कर दिया हमने, और क्लोज करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे हम तो यहां पे अब हमें इसको सेव करना होगा। तो आइए सेव करते हैं, मैं इसको कोई नाम दे देता हूं, जैसे कोई भी नाम, और डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ सेव कीजिएगा आप, ठीक है। अब इसको रन करवाने की बारी है, आइए देखते हैं रन होता है या नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ आप नंबर ऑफ रोज एंटर कीजिए। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं 3, आप देख सकते हैं यहाँ 3 रोज प्रिंट होकर आ रहे हैं। तो अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन कराऊंगा, ठीक है। तो रन करवाने के लिए इसको पहले हमें क्लोज करना होगा, तो इसको gg.py के नाम से हमने सेव किया है। आइए एक बार फिर से इसको रन करवाते हैं, यहाँ फाइल में जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं gg.py, तो यहाँ नीचे आ रहा है, एंटर करेंगे, ये प्रोग्राम हमारा खुला हुआ है पहले से, इसको हम रन करवाएंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पे आ रहा है इंटर द नंबर ऑफ रोज, अगर हम यहाँ पे 8 रोज इंटर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके प्रिंट होकर आएगा। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये किस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, यहां पर हम इसको दोबारा रन करवाते हैं और यहां पे नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रोज हम देते हैं इस बार 12, तो ये देखिए इस तरह से ये प्रिंट होकर देगा, 12 रोज प्रिंट हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि ये किस तरह से प्रिंट हो रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को। इसका डिस्क्रिप्शन मैं अगले वीडियो में दूंगा, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।